नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। आज का हमारा ये कार्यक्रम कुछ खास है। आज हम आपको दिखाएंगे राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2018 पर कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स। सरकार ने कमर कस ली है और खरीफ की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो फिर आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास है। हमारे देश में खेती मुख्यतः दो भागों में की जाती है, एक खरीफ और दूसरी रबी। इस समय रबी की फसलें पककर तैयार हो चुकी हैं। कहीं कहीं इसकी कटाई का कार्य पूरा हो चुका है और कहीं कहीं इसकी कटाई का कार्य चल रहा है। और अब बारी है खरीफ की। आपको बता दें कि खरीफ की मुख्य फसलें हैं बाजरा, रागी और धान आदि। हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए हमारी सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। और इस कड़ी में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2018 का हाल ही में आयोजन किया गया नई दिल्ली में। इस सम्मेलन में विभिन्न प्रदेशों से आए प्रतिनिधियों से हमारी संवाददाता ने बातचीत की। आइए इसी की झलक आपको दिखाते हैं। भारत मुख्य रूप से एक कृषि देश है। अधिकांश भारतीय परिवारों के लिए कृषि सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है। भारत दुनिया में गेहूं और चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। रबी की फसलें कटकर तैयार हो चुकी हैं और अब खरीफ की तैयारी चल रही है। खरीफ की तैयारी में सरकार ने भी अपनी कमर कस ली है। खरीफ की तैयारी को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2018 नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुआ। दो दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने अपने शुभकामनाओं से दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में कृषि जगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। सरकारी योजनाओं से लेकर कृषि इनपुट्स तक हर तरह के मुद्दों पर चर्चा की गई। हम सबके ध्यान में होगा कि हमारी योजनाएं उत्पादन केंद्रित, उसको आय केंद्रित की दिशा में ले जाने का हम सब लोगों ने जो प्रयास किया है, उसके परिणाम भी अब प्रकट होने लगे। इस सम्मेलन में पूरे देश के कृषि वैज्ञानिक, कृषि प्रधान सचिव मौजूद थे। देश के कई राज्यों ने इस सम्मेलन में हिस्सा भी लिया। राज्यों में चल रही गतिविधियों के ऊपर प्रेजेंटेशन भी दी गई। ऐसे ही कई राज्यों से दूरदर्शन किसान संवाददाता मोनालिसा ने बात की। खास तौर पर खरीफ अभियान 2018 के लिए किस तरह की तैयारियां हैं छत्तीसगढ़ की, इस पर आइए बात करते हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुनील कुमार कुजू जी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। कुजू जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि खरीफ अभियान 2018 के लिए छत्तीसगढ़ की किस तरह की तैयारियाँ हैं। पैडी क्रॉप्स या राइस के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार जो खरीफ 2018 है, हम न केवल राइस में या पैडी में उसमें काम करेंगे, बल्कि 7% जो हमारा पल्सेस का एरिया है उसको हम बढ़ाएंगे। साथ ही साथ 8% जो ऑयल सीड है जिसको हम
अरे जिससे ऑयल निकलता है उसको भी 8% बढ़ाएंगे, और बाकी जो हमारे अन्य मेजर जो फसल्स हैं उसको हम यथावत रखेंगे। और हमारा आपको जानकारी होगी कि हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है या जो जीडीपी जो कैलकुलेट होता है वो 7.71% अभी तक रहा है गत वर्षों में। छत्तीसगढ़ में सॉइल हेल्थ कार्ड पर भी सराहनीय कार्य किया जा रहा है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के साथ साथ सैंपल कलेक्शन भी किया जाता है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड वाले किसानों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ जहां न सिर्फ कृषि की बेहतरी पर काम हो रहा है, इसके साथ साथ एलाइड सेक्टर पर भी खासा जोर दिया जा रहा है। चूंकि अब गोट बढ़ रही है तो मीट का प्रोडक्शन भी बढ़ता है, उसी तरह पोल्ट्री सेक्टर में भी हमने काफ़ी प्रगति की है और उसमें भी एग्स का और पोल्ट्री का काफ़ी प्रगति हुई है काफ़ी प्रतिशत में, और साथ ही साथ मिल्क में हमारा प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया है। और काफ़ी कुछ हम आज के तारीख में हम बहुत कम इंपोर्ट करते हैं। इसी तारतम्य में आप अगर हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसमें आप देखेंगे 10-11 से लेकर 17-18 तक हमें विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में हमें अवार्ड दिया गया है। निश्चित ही हमारे जो फार्मर्स हैं स्पेशली वो सराहनीय कार्य किए हैं इन समय में, हमारे जैसे नए स्टेट को निश्चित ही हमको उत्साह भी करता है और हम आगे भी इस तरह से कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुजूर जी हमसे बातचीत के लिए। तो खरीफ अभियान 2018 में कई राज्यों ने प्रस्तुति दी है और अपने अनुभवों को साझा किया है, और हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य आगामी खरीफ के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। आइए अब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ ने कृषि जगत में और क्या कुछ नया और अलग किया है। बागवानी के लिए जानना चाहूंगी कि किस तरह के खास कदम उठाए गए हैं बागवानी के क्षेत्र में। वैसे जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी साथ ही साथ जो नए पद्धति है उसको हमने हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, जिसमें एक तो वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, एरोमेटिक प्लांट्स आते हैं, इनमें हम गत वर्षों में काफ़ी कुछ ना केवल हम प्रोडक्शन में बढ़े हैं बल्कि जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी हमने काफ़ी प्रगति की है। और आपको जानकर खुशी होगी कि लास्ट ईयर हम हॉर्टिकल्चर में ही बेस्ट स्टेट के रूप में हमको अवार्ड मिला था भारत सरकार के द्वारा। कार्यक्रम में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं, मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हमारे किसानों की आय बढ़े, कृषि नीति एवं कार्यक्रम उत्पादन केंद्रित के बजाय आय केंद्रित बने, इसी दिशा में हाल ही में नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2018 का आयोजन किया गया। आइए इसी से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए डालते हैं एक नज़र हमारी इस खास रिपोर्ट पर।
विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में जैविक खेती के ऊपर चर्चा की गई। कृषि वैज्ञानिक वंदना द्विवेदी ने इस चर्चा में प्रेजेंटेशन के द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानकारी दी, साथ ही साथ जैविक खेती में बदले गए दिशा निर्देशों के बारे में भी अपनी बात रखी। इसके साथ ही कई राज्यों से आए हुए अधिकारियों ने इन दिशा निर्देशों के ऊपर ओपन हाउस डिस्कशन भी की। जैविक खेती की ओर बिहार एक अनूठी पहल कर रहा है, इस बारे में अधिक जानकारी हासिल की हमारी संवाददाता मोनालिसा ने। बिहार राज्य में क्या कुछ कृषि कार्य को लेकर प्रगति हो रही है, इस पर आइए बातचीत करते हैं। ये बताएं कि बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है। बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अभी वर्तमान में ये 15-16 से ही परंपरागत कृषि विकास योजना लागू की गई है। इसके तहत ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती करने का प्रावधान किया गया है भारत सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री बिहार हमारे इसके लिए उन्होंने कहा है कि जैविक कॉरिडोर बनाने के लिए, तो हम लोग पटना जिला से शुरू करके नालंदा जिला में जैविक कॉरिडोर बना रहे हैं, फिर वहाँ से नालंदा से नवादा, फिर नवादा से गया, ताकि एक पैच में हो, किसान एक जगह क्लस्टर में वो जैविक खेती करे और उसका लाभ उठावे, तो दूसरे अन्य जगहों के किसानों को भी हम लोग उसको एक्सपोजर विजिट के माध्यम से जैविक खेती जो वहाँ एक क्लस्टर में होगा कॉरिडोर में होगा तो उसको एक्सपोजर विजिट के माध्यम से दिखा करके हम लोग जागरूकता अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे और ताकि सभी किसान जो परंपरागत पहले से जो खेती करते आ रहे हैं उसको वो करें, चूंकि वर्तमान में जो असंतुलित खाद का प्रयोग किया जा रहा है और जिसके कारण मिट्टी बंजर होती जा रही है, तो इसको पूरा करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए जैविक खेती कर रहे हैं, ताकि लोगों को मैंने कंज्यूमर को भी अच्छा प्रोडक्ट मिले। जैसे सब्जी अभी जो वर्तमान में सब्जी या कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं वो बहुत ही पोल्यूटेड हो गया, जिसके कारण लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ बढ़ता जा रहा है और डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है, देखते हैं नर्सिंग होम अधिक खुल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ये माना जा रहा है कि बीमार लोग पड़ेंगे, तो बीमारी से बचाने के लिए ये जैविक खेती बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके लिए हम लोग बिहार में बहुत जोर शोर से शुरुआत कर चुके हैं। जैविक खेती के साथ साथ यांत्रिकरण में भी बिहार राज्य में कई काम किए जा रहे हैं। किसानों के श्रम को कम करने के लिए हमारी सरकार यांत्रिकरण को बढ़ावा दे रही है। यांत्रिकरण पर क्या जानकारी है, आइए देखते हैं। कृषि एक श्रम साध्य कार्य है और ऐसे में जबकि मानव श्रम की उपलब्धता लगातार घटती जा रही है, यंत्रों पर जोर देना जरूरी हो गया है। ऐसे में बिहार में क्या कुछ किया जा रहा है यंत्रीकरण पर जोर देने के लिए, आइए बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री रविंद्र कुमार वर्मा जो कि संयुक्त निदेशक यंत्रीकरण है बिहार के। बहुत बहुत स्वागत है वर्मा जी आपका। हमें सबसे पहले बताएं कि बिहार में यंत्रीकरण पर जोर देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है। बिहार में कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार काफ़ी ध्यान दे रही है। वैसे 10 वर्ष पहले जहां की बिहार का बजट कृषि यांत्रिकरण में 20 करोड़ के आसपास होता था, आज उसका बजट जो है लगभग 200 करोड़ हो चुका है और 2017-18 में हमने लगभग 76,000 किसानों को कृषि यंत्र अनुदान पे हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। NIC के माध्यम से सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसमें किसान ऑनलाइन आवेदन करते हैं, उनका वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन होता है और उनका परमिट मतलब जो है स्वीकृति पत्र भी ऑनलाइन किसानों को दी जाती है। इसके बाद किसानों के लिए हर एक ज़िलों में मेला लगाया जाता है, यांत्रिकरण मेला लगाया जाता है हर एक माह में, तो किसान अपना स्वीकृति पत्र लेकर के उस मेला में जाते हैं और जो भी अधिकृत विक्रेता हैं या सप्लायर हैं उस मेले में जाते हैं, अपने यंत्रों का प्रदर्शन करते हैं और किसान अपनी इच्छा अनुसार जो यंत्र लेना चाहें वो अपनी स्वेच्छा से यंत्र क्रय करते हैं। चूँकि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की संख्या बिहार में ज़्यादा है तो उन लोगों के लिए भारत सरकार की योजना SMM सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन है, उसके माध्यम से कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना की जा रही है, उसका भी किसान काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। कस्टम हायरिंग केंद्र 10 लाख का भी है, 25 लाख का है, 40 लाख का है,
उसके माध्यम से एक से अधिक यंत्र लोग खरीदते हैं और खरीद करके अपना कृषि यंत्र बैंक स्थापित करते हैं, और किसान जिनके पास जो सक्षम नहीं है यंत्र, बड़े यंत्र लेने में, वे उस कस्टम हायरिंग केंद्र से यंत्र भाड़े पे ले जाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद खरीफ सम्मेलन में आयोजित किए गए ओपन डिस्कशन, साथ ही साथ अन्य मुख्य अंशों के बारे में आपको जानकारी देंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी स्वतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कृषि दर्शन की इस खास पेशकश में। दो दिवसीय सम्मेलन में प्रोक्योरमेंट, मूल्य संवर्धन और मार्केटिंग को लेकर कई योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया, और इसके साथ ही साथ तमिलनाडु के किसानों के जोखिम को कम करने के लिए किस तरह से फसल बीमा योजना कार्य कर रही है, ये भी चर्चा का मुख्य विषय रहा। आइए अब डालते हैं एक नजर इस सम्मेलन की कुछ और हाईलाइट्स पर। प्रोक्योरमेंट साथ ही मार्केटिंग देश के कई राज्यों में इन क्षेत्रों को बेहतर बनाने की क्या कुछ तैयारी की गई है, आइए जानते हैं। एक तो है मार्केट अश्योरेंस स्कीम, जिसका हमने प्रारूप राज्यों से शेयर किया था। एक प्राइस एफिशिएंसी पेमेंट स्कीम में भावांतर भुगतान, किसान को खरीदना करके आप उसको जो MSP और मार्केट वैल्यू जो प्राइस का डिफरेंस दे सकें, और कैसे और भी एजेंसीज़ को जो हमारी प्राइवेट एजेंसीज़ हैं उनको भी कैसे जोड़ सकते हैं, इससे कि हर किसान को दूरगामी इलाकों में भी MSP का फ़ायदा मिल सके। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पानी की कमी के कारण किसानों को नुकसान झेलना पड़ता है। मौसम की इस मार से निपटने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया। तमिलनाडु भी उन राज्यों में से एक है जहां सूखे के कारण किसानों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, लेकिन सरकारी योजनाओं से किसानों को किस हद तक मदद दी जा रही है, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब आई तो उस टाइम एक्चुअली तमिलनाडु में बहुत भयानक ड्रॉट चल रही थी 2016-17 के साल। 140 ईयर्स में इतनी कम बारिश नहीं हुई तमिलनाडु में जितनी हुई, लेकिन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला कि हम वी विल डेफिनेटली फुल्ली पार्टिसिपेट इन दिस स्कीम। तो हमारे जनरली इस टोटल फार्मर्स में 7 या 8 लाख फार्मर्स फसल बीमा योजना के अंडर अपने आप को पहले एनरोल करते थे, प्रीमियम देते थे, लेकिन क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत महत्ता दी इसके लिए, बहुत कैंपेन किए, तो हमने जो फसल बीमा योजना के जो फार्मर्स का एनरोलमेंट डबल कर दिया। तकरीबन 16 लाख फार्मर्स को हमने इसमें एनरोल करके उनसे प्रीमियम दिलवाया। अब दुख की बात है कि ड्रॉट है, लेकिन उसके होते हुए खुशी की बात यह है क्योंकि उन्होंने प्रीमियम दिया जो तकरीबन 200 करोड़ के करीब होगा, उसका मैचिंग स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपना अपना जो पैसा दिया 600 करोड़ रुपया पैसा दिया, 600 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, 600 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, तो एक किसान जो है वो अपनी तरफ से 200 करोड़ दिया, तो लेकिन उसको तमिलनाडु में अभी तक रिकॉर्ड, इंडिया में रिकॉर्ड 3,100 करोड़ किसानों को अभी तक कॉम्पनसेशन मिल चुका है। अभी और भी हम 300-400 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज कहीं कहीं पे नहीं दे रही, उनके साथ भी फॉलो अप कर रहे हैं, तो
देश के लेवल पे जो प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली बोला था तकरीबन 11,000 करोड़ इंडिया में बटा, उसमें से 3,100 करोड़ तमिलनाडु में लेने वक्त वी आर द फर्स्ट इन द कंट्री, क्योंकि हमने उसके लिए काफ़ी हार्डवर्क किया है। किसान को उनके जो कष्ट के टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने मिल के हेल्प करने की कोशिश की है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। 26 मार्च 2018 को खरीफ सम्मेलन संपन्न हुआ। दो दिनों के इस सम्मेलन के आखिरी दिन कृषि सचिव श्री शोभना पटनायक जी ने दूरदर्शन किसान से बात की और इस सम्मेलन को एक सफल कदम बताया। दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2018 संपन्न हो गया। आइए इसके अनुभवों पर बात करते हैं। कृषि सचिव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पटनायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमें सबसे पहले बताएं कि कैसा रहा अनुभव इन दो दिनों का, खासतौर पर राज्यों से बात की गई और कई नई स्कीम्स और जो दिशा निर्देश है, जैसे जैविक खेती को लेकर के भी नए दिशा निर्देश आए हैं, तो कई चीज़ें कई बातें साझा की गई, कैसा रहा अनुभव? देखिए, दो दिन का हमारा सम्मेलन काफ़ी सफल रहा, सफलप्रद रहा। आप देखे होंगे कि ये दो दिन में हम ज़्यादातर ये हम इसके ऊपर एम्फेसाइज किया कि राज्यों अपने क्या क्या नए चीज़ कर रहे हैं, तो उनका अनुभव सबके सामने आया और उससे पता लगता है कि सभी राज्य कुछ ना कुछ नए पदक्षेप ले रहे हैं जिसके द्वारा कि हमारा उत्पादन और उत्पादकता बढ़ता रहता है। इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि हमारे, आप देखे होंगे, हमारा एक शिफ्टिंग हो रहा है, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर था उससे वो शिफ्ट होके वो बागवानी की तरफ जा रहा है। ये भी पाया गया है कि किसानों का जो इनकम है वो बढ़ने के लिए हमको बहुत तेज़ी गति से डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, जैसे कि कुछ लोग एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ का भी काफ़ी सफलता के बारे में इसमें चर्चा किया गया, कुछ उदाहरण भी सामने आया। हम ये चाहते हैं कि हम यदि इंटीग्रेटेड फार्मिंग बड़े पैमाने पर इम्पोर्टेंस दे तो किसान का जो इनकम है वो दुगुनी करने में बहुत आसान रहेगा। इसके साथ साथ हम केंद्र सरकार की ओर से हम बहुत सारे नए स्कीम्स लाए हैं, जैसे अभी बैम्बू मिशन एक नया पदक्षेप लिया गया, इसके साथ साथ एग्रो फॉरेस्ट्री मिशन, हनी मिशन, ये सारे के बारे में भी हम जानकारी दी गई। इसके साथ साथ हमारा फसल बीमा योजना कैसा चल रहा है और उसके वो क्या करने से उसको तेजी गति में इसका भुगतान ठीक से हो सकता है उसके बारे में भी काफ़ी चर्चा रहा। और सरकार ने अभी जो नया स्कीम अनाउंस किया है जिसमें MSP के बारे में भी 50 जितना लागत कॉस्ट है उससे 50% ज़्यादा किसानों को कैसा हम पहुँचा सकते हैं उसके बारे में भी दो तीन स्कीम के बारे में मोटे तौर पर राज्यों के साथ बातचीत हुआ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो सरकार पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी हुई है और राज्य सरकारों का भी जिस तरह का साथ नज़र आया है इस राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में, इसने इस उत्साह को और भी बढ़ा दिया है। तो जहां उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, वहीं किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाया जा सके इसके लिए भी पूरी तैयारी की गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि खरीफ अभियान, जैसा कि नाम रखा गया है, ये अभियान ज़रूर रंग लाएगा। ये तो थी खरीफ सम्मेलन 2018 पर कृषि दर्शन की खास पेशकश। किसानों के हित के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखें हमारे पते पर। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप अपने सुझाव हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandd@gmail.com। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में फिर करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।